फ्रेंड्स, आज हम जो है इस वीडियो में बिंब विधान के जो है इन सब की डेफिनेशन देखेंगे। आज हम जो है पहला जो भेद होगा वो होगा काल्पनिक बिंब, और दूसरा जो होगा जो है ऐन्द्रीय बिंब होगा। मैं आपको पहले जो है फिर से ऐन्द्रीय बिंब ही पढ़ा रही हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, आप आगे पीछे याद कर सकते। बस ये है कि जब आपसे पूछे कि इसके भेद कितने होते, तो इसके तीन होते, तब आप इसको जो है लाइन से लिखिएगा कि पहला जो होता है काल्पनिक होता है, दूसरा जो होता है भाव होता है, और तीसरा जो है ऐन्द्रीय होता है। इसलिए मैंने आपसे ऐसा बोला था। प्रकार जो होते हैं सबके वो लाइन से लिखे जाते हैं, तो मैंने आपको प्रकार लाइन से बता दिया है, पहला काल्पनिक, दूसरा भाव और तीसरा ऐन्द्रियता। तो आप इसे ऐसे ही लिखेगा, तीन पॉइंट मैं जो है आपको इन्हें ऐसे बता रही हूँ। इसका जो तीसरा पॉइंट है प्रेरक अनुभूति के आधार पर, ये जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगी। वीडियो में हम इसका पहला और दूसरा भेद जो है इसकी परिभाषा कंप्लीट करेंगे। जो पहला भेद है वो है काल्पनिक बिंब के अंतर स्मृति बिंब। स्मृति बिंब की परिभाषा देखते हैं। स्मृति बिंब, इसमें हमारी कल्पना निष्क्रिय रहती है, सिर्फ स्मृति के द्वारा ही बिंब का जन्म होता है, और अतीत के अनुभवों के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। स्मृति यानी हमारी याददाश्त। इसमें जो कह रहा है कि इसमें हमारी कल्पना निष्क्रिय रहती है, मतलब कि हमारी कल्पना एक तरीके से व्यर्थ रहती है, मतलब हमारी कल्पना रहती नहीं है इसमें, सिर्फ स्मृति के द्वारा ही बिंब का जन्म होता है। इसमें जो है कल्पना नहीं रहती, केवल स्मृति, मतलब जो हमारी याददाश्त है उसके द्वारा ही स्मृति बिंब यानी इसका जो है जन्म होता है, और अतीत के अनुभवों के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। अतीत के अनुभवों मतलब ये होता है कि अतीत तभी होगा ना जब आपको कुछ याद रहेगा, यानी आपकी याददाश्त रहेगी कि हमने तब बचपन में ये किया था, तब वो किया था, तो ये स्मृति में आ जाती है। जब आपको याद रहेगा तभी तो आप जो है अतीत का बता पाओगे, तो वही होता है स्मृति बिंब में। जो है ज़्यादातर गद्य की विधाओं का ये होता है कि जैसे कि कोई कवि, किसी कवि ने जो है अपने बचपन का लिखा है, तो वो जो है स्मृति बिंब के अंतर्गत आ जाता है। इसका सेकंड था कल्पित बिंब। अब इसकी बात करते हैं, कल्पित बिंब में कल्पना होती है, स्मृति नहीं। इसमें जो स्मृति यानी इसमें याददाश्त नहीं होती, इसमें कल्पना होती है कि हमने क्या कल्पना की है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आप सूर्य के बिना जो है धरती पर जी सकते हो, तो इस तरीके की जो है आपसे कल्पना करने को बोल रहा है, तो ये जो है कल्पित बिंब में आ जाता है कि जो मस्तिष्क में जो है इसकी इमेज बन जाएगी, एक बिंब बन जाएगा। सूर्य की कल्पना बोलिए बिना जीने की, तो आपके दिमाग में जो है इसकी इमेज बन जाएगी, तो ये जो है कल्पित बिंब में आता है। बात करते हैं नेक्स्ट बिंब ऐन्द्रीय बिंब की। इसके अंतर्गत जो है पाँच रहते हैं, तो इन पाँचों को जो है हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है इसका चाक्षुष बिंब या दृश्य बिंब। डेफिनेशन देखते हैं कि दृश्य बिंब का संबंध नेत्रों से है। जब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, बिंब हमारी आंखों के सामने आती है, तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, तो वे दृश्य बिंब कहलाते हैं। दृश्य बिंब या चाक्षुष बिंब का संबंध जो है दृश्य से होता है, यानी हमारे देखने से। हमारे आंखों के सामने कोई भी वस्तु हो या तो कोई व्यक्ति हो, उसका जो है बिंब यानी उसकी जो इमेज हमारी आंखों के सामने आती है, जो उसका चित्र है हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, तो वो दृश्य बिंब कहलाता है। अब मान लो जैसे कि आपके सामने एक डॉगी खड़ा है, आपने उस डॉगी को देखा, यानी आपने उसको देखा, तो वो क्या हो गया, दृश्य। और उसको देखने के बाद जो है आपके दिमाग में जो है डॉगी की जो है इमेज बन गई, एक पिक्चर सी बन गई, तो वो क्या होता है, वो दृश्य बिंब में आता है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, गाय घास खा रही है। अब जो गाय है वो घास खा रही है, तो आपने गाय को देखा, तो वो क्या हो गया, दृश्य। और खा रही है तो आपने उसे खाते हुए देख लिया, आपके दिमाग में जो है उसकी इमेज बन गई, तो वो क्या हो गया, दृश्य बिंब हो गया। तरीके से जो काव्य, जिस काव्य में जो हो रहा है, आप जो है इसका उदाहरण बना सकते हैं। कोई भी काव्य हो, उसमें जिस बिंब का उदाहरण बताया गया हो, तो वो उस बिंब का उदाहरण बन जाएगा। तो वो कोई वाक्य भी हो सकता है या वो कोई कविता भी हो सकती है, जो भी काव्य होगा वो इसमें आ जाएगा। इसका सेकंड देखते हैं श्रव्य या नादात्मक बिंब। इसका डेफिनेशन देखते हैं, श्रव्य बिंब का संबंध कर्णेन्द्रिय से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वाग या अन्य प्रकार की ध्वनि का आभास होता है, तब वहाँ श्रव्य बिंब होता है। श्रव्य यानी सुनना होता है, नादात्मक यानी हमारे जो कान होते हैं, तो वही बोल रहा है कि श्रव्य बिंब का जो संबंध है कर्णेन्द्रिय यानी हमारे कान से। आप जो ऐसा भी लिख सकते हैं कि श्रव्य बिंब का संबंध कानों से है। किसी भी काव्य को पढ़कर या सुनकर, हमने कोई काव्य पढ़ा या सुना,
किसी वाग या अन्य प्रकार की ध्वनि का आभास होता है। वाग यानी वो होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो होते हैं वाग। वाग यंत्र उन्हीं को कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया वाग यानी म्यूजिकल, कोई भी गाना वाना है आप वो सुन रहे हो, या अन्य प्रकार की ध्वनि का आभास होता है, या तो कोई और प्रकार की ध्वनि हो, मान लो गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ है तो आपके दिमाग में उसका बिंब बन गया। हाँ, जो है श्रव्य बिंब होता है, यानी सुनकर किसी चीज़ का बिंब बनना यानी इमेज बनना, तो वो होता है श्रव्य बिंब। इसका उदाहरण देखते, खूब झमझम कर बरस काली घटा। क्या बोल रहा है कि खूब झमझम कर बरस काली घटा, यानी बारिश को बोल रहा है कि झमझम कर बरस। जब बारिश होती है तो कैसी आवाज़ आती है, झमझम झम की आवाज़ आती है। तो झमझम झम हमने आवाज़ जो क्या सुनी है, उस आवाज़ को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में जो बिंब बन जाए कि यार बारिश हो रही है, आप समझ जाते हो झमझम की आवाज़ हो रही है तो बारिश हो रही है। तो उस बारिश का दृश्य का जो चित्र बनता है, इमेज बनती है, तो वो जो होता है श्रव्य या नादात्मक बिंब में आ जाती है। आपके मस्तिष्क में सुनकर बिंब बना है तो इसलिए वो श्रव्य बिंब में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पर्शीय बिंब। स्पर्श बिंब का संबंध त्वचा से होता है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु की कोमलता या खुदरेपन ने हमें स्पर्श सा किया हो, तब वहाँ काव्य में स्पर्श बिंब होता है। स्पर्श का मतलब यानी होता है छूना, हम किसी चीज़ को छूते हैं यानी स्पर्श करते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि स्पर्श बिंब का संबंध त्वचा से होता है। हम कोई भी चीज़ को छूते हैं तो हमारी त्वचा उसमें टच होती है यानी स्पर्श होती है। ये लिखा है कि जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर ऐसा आभास होता है, आपने कोई काव्य पढ़ा या सुना तो हमारे मन में ऐसा आभास होता है किसी वस्तु की कोमलता या खुदरेपन ने हमें स्पर्श सा किया हो, तब वहाँ काव्य में स्पर्श बिंब होता है। आप कोई काव्य पढ़ रहे हो और उसमें जो है फूल के बारे में, तो फूल हमें मालूम है उसकी कोमलता, क्योंकि आप फूल को छूते हो तो आपको पता है, फूल को आप देख के पहचान जाओगे कि वो कोमल होता है कि खुदरापन होता है। तो जब आप कोई कविता या काव्य पढ़ रहे हो उसमें किसी चीज़ का आ गया, मान लो फूल का आ गया, तो आपको पता है फूल कोमलता होता है। तो हमें फूल की क्या पता चल गई, उस वस्तु की कोमलता के बारे में पता चल गया। तो मान लो कोई काटा हो और उसके काटे ने यानी उसके जो खुदरेपन ने हमें स्पर्श किया है काव्य में, तो वो क्या हो जाएगा, स्पर्शीय बिंब का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि हम उस चीज़ को सुनते या पढ़ते हुए हमें आभास हो गया है यानी हमें पता लग गया है कि वो चीज़ कोमल है या खुदरी है। इसको जो एक उदाहरण से समझते हैं। मलय का झोंका बुला गया खेलने से स्पर्श, ये रोम रोम को कपा गया। मलय का झोंका यानी हवा का झोंका बुला गया, यानी हवा का झोंका जो आ गया है, बुला गया मतलब आ गया, खेलने से स्पर्श। जब हम खेल रहे थे वो जो हवा का झोंका जो आ गया था वो हमें स्पर्श यानी छूता हुआ चला गया है, रोम रोम को कपा गया। वो हवा का जो झोंका था वो इतनी ज़ोर से आया कि जो हमारा रोम रोम है, जो हमारे शरीर में रोम होते हैं, उनको जो है कपा गया, इतनी तेज़ आया। क्योंकि जब पता है हवा का झोंका आता है तो बहुत तेज़ आता है तो हम कांप से जाते हैं। इस काव्य को सुनते या पढ़ते हुए आपको एहसास हो गया होगा, आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी। तो यही बात हम मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो है स्पर्श बिंब में आ जाती है, कि हवा का झोंका मैं स्पर्श कर गया तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी, तो ये स्पर्श बिंब में आ गया है। बात करते घ्राण बिंब की। घ्राण बिंब का संबंध घ्राणेन्द्रिय से है। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वस्तु की सुगंध या दुर्गंध का आभास होता है, तब वहाँ घ्राण बिंब होता है। घ्राण बिंब का संबंध घ्राणेन्द्रिय यानी हमारी जो नाक होती है उससे होता है, यानी हम किसी चीज़ की सुगंध या तो दुर्गंध का आभास हो हमें पता लग जाए तो वहाँ जो है घ्राण बिंब होता है। यानी हम जब कभी कोई काव्य पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो सुनते या पढ़ते समय हमें जो है ये पता लग जाए कि इस काव्य में जो है सुगंध या दुर्गंध किस चीज़ का हमें पता लग रहा है, तो वो जो है घ्राण बिंब में आता है। घ्राणेन्द्रिय के जगह जो आप नाक भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक उदाहरण से देखते हैं। सोंधी सोंधी मैं के मिट्टी की पहली पहली फुहार में शामिल। अब आप ये काव्य पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, इस काव्य में क्या बोल रहा है कि सोंधी सोंधी मैं के मिट्टी की, आप देखते हो जब बारिश होती तो मिट्टी की खुशबू आती है, तो कैसी आती है, सोंधी सोंधी मह की आती है। तो पहली पहली फुहार में शामिल, पहली बार बारिश होती है तो मिट्टी की कैसी सोंधी सोंधी महक आती, मिट्टी की कितनी अच्छी खुशबू आती, सब बोलते हैं अरे बारिश आ गई मिट्टी कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही। तो ये है यहाँ पे जो हमने इस काव्य को जो है पढ़ा है या सुना है,
इससे जो है हमें सुगंध का पता चल गया कि इसमें क्या है, सुगंध या दुर्गंध, तो हमें पता चल गया कि इसमें जो है सुगंध है, तो ये जो है घ्राण बिंब के अंतर्गत आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, जो है किसी में भी कंफ्यूज मत होना, एक एक वर्ड के पता कर लेना कि किस चीज़ का किस चीज़ से क्या मतलब है, तो आपको आसानी से डेफिनेशन और उदाहरण दोनों आ जाएंगे। अब बात करते हैं स्वाद या आस्वाद बिंब की, तो स्वाद भी बोलते हैं और आस्वाद भी बोलते हैं। स्वाद बिंब का संबंध स्वाद इंद्रिय से है, जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसी वस्तु के खट्टे मीठे नमकीन या कसेले होने का आभास होता है तब वहाँ स्वाद बिंब होता है। स्वाद इंद्रिय यानी हमारे स्वाद से होता है, हमारे चखने से होता है, तो आप यहाँ स्वाद से ही लिख सकते हैं। तो जब कोई आप काव्य पढ़ रहे हो या तो सुन रहे हो तो किसी वस्तु के खट्टे मीठे नमकीन या कसेले, खट्टा आप जानते हो मीठा आपको पता है, नमकीन आपको पता है, कसेले आपको पता है कि कड़वा, सबका जो है आपको टेस्ट के बारे में पता चले, यानी इन सब के स्वाद के बारे में आपको पता चल जाए, तो वहाँ जो है स्वाद बिंब होता है। मान लो किसी काव्य में केरी के बारे में बताया गया है या आम के बारे में, तो आपको पता है केरी कितनी खट्टी होती है, आम कैसा होता है और इमली कैसी होती है, तो आपको इन सब का आभास हो जाएगा, यानी इन सब के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, जो है स्वाद या आस्वाद बिंब होता है, इसका उदाहरण और देख लेते हैं। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी, जब बाहर से नवाब के मुंह में पानी आ गया। कुकुरमुत्ते का मतलब जो होता है मशरूम, आपने मशरूम देखा होगा। हाँ, यही बोल रहे कि मशरूम जो है उसको हिंदी में कुकुरमुत्ते कहा जाता है। मशरूम की कहानी सुनी, जब बाहर से नवाब के मुँह में पानी आ गया। मशरूम जो है कैसा रहता है, छाते की तरह लगता है, वो मशरूम छोटा सा होता है, बिल्कुल आपने देखा होगा। तो उसकी जो कहानी सुनी तब बाहर से यानी एकदम से जो है नवाब के मुंह में पानी आ गया। काव्य यानी कोई भी कहानी सुनी तो नवाब के मुंह में क्या हो गया, पानी आ गया। कोई भी खाने की चीज़, किसी भी खाने की चीज़ के बारे में देख लो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है कि यार आज तो ये खाना, आज तो वो खाना है। तो वैसे ही काव्य में अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सुनते हो तो उस चीज़ के बारे में जो आपके मुंह में पानी आ जाए, यानी आपको जो है उसका स्वाद के बारे में पता लग जाए, तो वहाँ जो है स्वाद या आस्वाद बिंब होता है। हमने जो है इस वीडियो में इसके दो पॉइंटों को कवर कर लिया, अब बचता है एक पॉइंट प्रेरक अनुभूति के आधार पर, यानी भाव के आधार पर बचा, वो जो है मैं आपको इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसकी परिभाषा उदाहरण सहित सब समझाऊंगी। मैं मालूम नहीं है कि बिंब विधान से कितना होगा, आपको मालूम भी नहीं होगा कि बिंब विधान कितने सारे होते हैं, यानी बिंब के जो भेद इतने सारे बहुत सारे होते हैं, जैसे अलंकार के होते हैं ना वैसे बिंब के भी बहुत सारे होते हैं। ये जो ब्लूप्रिंट में बताया नहीं है कितने बिंब विधान को पढ़ना है, लेकिन अलंकार और बाकी चीज़ों के बारे में बताया गया है। मैंने जो है आपको अभी ये मेन जो होते हैं इनके बिंब विधान की डिटेल और इनकी परिभाषा जो है मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद अभी ये तीसरे पॉइंट की डिटेल आएगी डेफिनेशन की, ये बात जो एक वीडियो और लाऊंगी मैं बिंब विधान की, पर वो अभी नहीं, वो मैं नवंबर के लास्ट में लाऊंगी, क्योंकि हो सकता है आपके ब्लूप्रिंट में आ जाए कि बिंब विधान के कितने पॉइंट क्या हैं, तो वो जो है हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो एक पॉइंट रह गया है प्रेरक अनुभूति के आधार पर यानी भाव के आधार पर, तो वो जो है मैं आपको इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।